and my first sip of coffee with you guys. Cheers. ये देखो चिंचा ने सारी कॉफी गिरा दी है मेरी. हे मेरे भगवान. लगी है. Good morning people, welcome back to our channel. सुबह का जो भी दिन है हालत बहुत खराब है क्योंकि काम खत्म नहीं हो रहे घर के. और एक लॉट कल कपड़ों का धुला था, आज चद्दर और वो क्विल्ट वगैरह वो सब धुले हैं. जगह है नहीं सुखाने की. ये रही मेरी कुट्टी. दंगे मचा रखे हैं इसने. ले पकड़, चल वहाँ चलते हैं, जा उसको खेलना होता है. चेरी से मिलवा देती हूँ. और अभी भी जो कल कपड़े धुले थे ना वो अभी तक सूखे हैं नहीं. काफी सूख गए हैं, काफी नहीं सूखे हैं. मुझे लगता है आज और एक बार, ये तो गीले हैं, आज एक बार और इस पे वो लगा देते हैं. आपको चेरी से मिलवा देती हूँ. मैं चाय बाबा यहाँ पे खाना वाना खा के बहुत आराम से बैठा हुआ है. आपको तकिए देख के पता ही लग गया होगा कि यहाँ पे अविनाश बैठा हुआ था. अविनाश ने भी अपना वर्कआउट वगैरह शुरू कर लिया है, गया अपने वर्कआउट के लिए. ना आपको ये दिखाना था, उस दिन हम लोग लेके आए थे जो लोनावला से, ये लेके आया है. बहुत प्यारा लग रहा है. पता नहीं नीचे क्यों रखा हुआ है, पहले तो ऊपर रखा हुआ था. बट ये वाली जगह इसकी अच्छी है, ये देखो अच्छा लगा मुझे. ये पहले लड़कियों वाला मैंने बनाया हुआ था, वो कुछ लड़कों वाली चीजें भी आ रही हैं इस पे. एनीवे बीच में कदर काम वाम करती रहूं, आपको मिलती रहूंगी बीच बीच में. मुझे दोस्तों मैं आया हूं आज एक महीने बाद वर्कआउट के लिए. हालत खराब है, वार्म अप में ही हवा टाइट हो गई. वर्कआउट रूटीन चेंज किया मैंने अपना. आज तो पहला ही दिन है, अभी तो क्या ही दिखाऊं, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा दिखाने की. तो आपको बता दूं जो मेरा वर्कआउट कल से शुरू हुआ है ना, तो उन्होंने बोला है कि अभी फिलहाल के लिए पूरा वर्कआउट काफी डिफिकल्ट है. तो उन्होंने कहा कि आप अल्टरनेट डेज करो क्योंकि अभी बॉडी को पहले यूज्ड टू होने दो. तो आज नहीं है, तो मैं आज सोच रही हूं मैं वॉक पे चली जाऊंगी और थोड़ा सा बॉडी को पहले रिदम में आने देती हूं. एकदम से इतना नहीं कर दो ये पता चला हालत ही है, उसके बाद लेटे हुए आपको पता ही नहीं आप हो कहां. अब मैं अपनी कॉफी एंजॉय करूंगी मेरी चेरू के पास बैठ के. मजा वो जो उठ गया. आ जा मम्मा के पास. कैंडी को भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ज्यादा ही कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी भी दवाई शुरू करी, पर अभी ये काफी बेटर है. मैं चालू बहुत अच्छा बेबी लग रहा है. चालू बहुत सुंदर लग रहा है. तो क्या हो गया, बाल गलत कट गए तो कोई बात नहीं. मैं चाय को मैं सारी खुशियां दूंगी जिंदगी भर की. हाँ मेरी बच्ची. एंड माय फर्स्ट सिप ऑफ कॉफी विद यू गाइस. चीयर्स. ये देखो चिंचा ने सारी कॉफी गिरा दी है मेरी. हे मेरे भगवान, ये लड़की ना, ये देखो सारी कॉफी गिराई है इसने. एक सेकंड. तो गीला नहीं हुआ. चुन चुन, क्या करती है लड़की, किधर है तू, लगा तो नहीं तुझे. इधर इधर मामा. लगी हुआ है यहाँ पे. कहाँ करता है मामा तू, लगा तो नहीं मामा को, लगा तो नहीं है. दोबारा बनानी पड़ेगी कॉफी. इधर टिश्यू से साफ करूँ. इधर सिर्फ चीना झपटी के कारण ना इसने कि कैंडी से उसका वो छीन लूं मैं. इधर आ बाबा. इधर कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो गिरा इस पे. कुछ नहीं मामा. अच्छा कहाँ डरता है तू, पगली ना हो तो. अब मैं इसको सारा बाद में साफ करूंगी जो गिरा दिया इसने. कोई बात नहीं, अब मैं चारों के पास यहाँ बैठूंगी. आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि यू नो, हम लोग चुन चुन को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं. ऐसा नहीं है, वो भी तो बच्ची है. बच्चों को भी मतलब बड़ों से कहीं ज्यादा अटेंशन चाहिए. मैं सारी कोशिशें करती हूँ कि मैं इक्वली प्यार दूं, लेकिन ये कुछ ज्यादा डिमांड कर जाती है और ये अपने आप चढ़ जाती है हमारे ऊपर. तो वो भी नहीं कर सकते ना, मतलब बच्चे को तो हम डिप्रेशन में नहीं डाल सकते ना कि हम उसको प्यार कम करें दूसरों को प्यार देने के चक्कर में. वी वॉन्ट टू गिव एंड वी आर गिविंग मोर अटेंशन टू चेरी. चेरू मम्मा के पास. इधर मोड़ो, इधर आप मम्मा आपके पास बैठी थी, मम्मा बातें कर रही थी आपसे. फिर क्या हुआ है. तो जी दोस्तों मेरा वर्कआउट खत्म हो गया है. आप लोगों को तो बहुत कम दिखा पाया मैं, लेकिन हालत खराब हो गई. आज तो मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया मैंने, हद कर दी. मतलब कि 52 मिनट्स में ऑलमोस्ट 550 या 600 कैलोरीज बर्न की हैं. हाथ भी नहीं मुड़ रहा मेरा. 54 मिनट्स 30 सेकंड में 566 कैलोरी. हालांकि मैंने बहुत देर से स्टार्ट की थी वॉच, तो मैं इसको 600 कैलोरीज मान रहा हूँ एक घंटे में, विच इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. जीते रहो अविनाश, जीते रहो. तो मेरा जो टारगेट है 45 डेज का, कुछ अचीव करना है मुझे. मुझे लग रहा है हो जाएगा. पापा आ गए होंगे. गुड मॉर्निंग. आज पसीना वसीना सब आया हुआ है. मैंने 600 कैलोरीज बर्न कर दी. तुम्हें नहीं पता है कि आज इसने क्या किया है, पूरी मेरी कॉफी इसने ऐसे गिराई है ना ट्रीट छीनने के चक्कर में. कॉफी मतलब गरम कॉफी. गरम कॉफी थोड़ी सी उस पे भी गिरी है. हाँ. जल्दी क्यों? नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ. हाँ.
लेकिन कॉफी पूरी की पूरी, थैंक गॉड थोड़ा सा कारपेट पे गिरी है लेकिन ज्यादा नहीं गिरी। मैं नीचे बैठी हुई थी बच्चों के पास। अरे कॉफी गई भाड़ में, उसको तो नहीं हुआ ना कुछ? नहीं कॉफी गई भाड़ में की तो कोई बात नहीं है, मेरे को यही है कि ये छीनने के चक्कर में यार ये उजाड़ है कुत्ता एकदम। ये देखो पूरा कॉफी गिरा है, देखो। ओ, इसके ऊपर? हाँ थैंक गॉड, मतलब इस पे थोड़े से छींटे ही गए लेकिन पूरी की पूरी कॉफी गिराई इसने। तो ये अभी तक साफ भी नहीं हुई? नहीं, मैंने भी साइड पे रख के अपनी दूसरी कॉफी बना के लगी, मैंने कॉफी तो पी लूं, इसको क्लीन किया मैंने। ये तो गिरती भागी होगी। आ हाँ, इसको कुछ नहीं हुआ भाई, बता तो रही हूँ। मैं भी उसको छोड़ के, चेरी को टेंशन लो प्लीज प्लीज। अरे उसके ऊपर कॉफी गिरी है ना? हाँ कॉफी गिरी है तो ये कोई बात नहीं है, वो ठीक है एकदम। चलो चेरी के पास से तो खुशबू आ रही है। चेरू बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है चेरू, कैसा लग रहा है चेरू? तो और घूरेगी क्योंकि सच में पता है उसको अच्छी नहीं लग रही है। अभी इसको दोबारा एक्टिव करना बहुत जरूरी है। चेरू को मम्मा एक एक्स्ट्रा चीटी देगी। चेरू की है तो जी, अब हम लोग थोड़ा सा जो है रिलैक्स हुए हैं। मैं भी अपना वर्कआउट करके आ गया था, हालांकि मैं अभी तक नहा नहीं पाया हूँ क्योंकि बैक टू बैक काम फोन कॉल चलते जा रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा सा खाली थे हम दोनों, तो हमने कहा यार जो दुबई से सामान लाए थे वो थोड़ा सा खोल के देखें, और स्पेशली जो पाकिस्तानी सलवार कमीज खरीदे गए थे वो जरा देखें कि क्या क्या है, और आप लोगों को भी दिखाएं। इसी बहाने सूटकेस भी खुल जाएगा, अनपैक हो जाएगा, ऐसे ही पड़ा हुआ अभी तक। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे ना कुछ सब्सक्राइबर्स मिले थे और उन्होंने दुबई मॉल में ना, हाँ दुबई मॉल में, पहले तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत प्यार से, अरे यार ये चेरी के लिए, ये चेरी के लिए पहना सकते हैं, अभी पहना, अभी पहनाओ, पहनाओ इसको चेरी को। चेरू लुक एट दिस, थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम था मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत प्यार से चेरी के लिए देके गए थे एंड मैं इसको पहना ही देती हूँ। सबसे पहले तो बिल्कुल परफेक्ट फिट का लग रहा है, बहुत ही परफेक्ट फिट लग रहा है, कितना कूल लग रहा है उसके ऊपर। अरे मामा मेरा चाल बेबी, अरे यहाँ से क्या उल्टा पहना दिया क्या मैंने? नहीं 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 सही है भाई, सही है। ज्यादा टाइट कर रही हो तुम, ढीला रखो, उसमें काफी स्पेस है। लो फिर, ये लो भैया, हमारा चेयर भी एकदम तैयार हो गया। अरे कितना प्यारा लग रहा है यार ये मेरा चेयर। अच्छा इसको ना से भी कर, लेकिन उसको रैशेस पड़ जाएंगे, मतलब अगर आपको इसको टाइट करना हो तो आप पैर भी यहाँ से निकालो और ये एकदम ऐसे ही रहेगा। अभी ये बहुत सही है लेकिन, अरे इससे तो फिटिंग और अच्छी हो गई पैर वाले से, बहुत प्यारी फिटिंग। आई लव्ड इट, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग ये हमारा ब्लॉग देख रहे हो, बहुत प्यार से पहले तो मिलने आए थे और उसके बाद आप लोग मिलके गए और उसके बाद ये दोबारा से गिफ्ट देके गए हो एंड दिस इज हियर, हवाई चेरी में पहन लिया और चेरी के लिए देके गए थे ना, चेरी आपके लिए देके गए थे, आपके लिए देके गए थे। देखो देखो चेरी खुश हुई है पहन के लिए। चेरी बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा, वेरी नाइस यूर लुकिंग, अच्छे लग रहे हो आप चेरी। मैं बोल रहा हूँ अच्छे लग रहे हो, बुरा नहीं मानना है, सच में अच्छे लग रहे चेरी। चेरू पापा झूठ बोल रहे हैं क्या? मम्मा पापा बहुत प्यारी कुत्ते चेरू को, चलो आज आज इसी में घूमने घूमी करने लेके जाएगी मम्मा, ठीक है भाई? बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा लग रहा है चेरी पे। चलिए अभी भी दिखा देती हूँ, ये एक एक बो दिया है, ये किसी को भी लगा सकती हूँ, ये मैं कैंडुड़ी को भी लगा सकती हूँ और छुनछुड़ी को भी लगा सकता है। अरे यार तीन दिए है एक जैसे, ठीक है अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को वो चीजें जो हम लोग लेके आए हैं। पहले तो ये क्या है भाई? ये फोटोग्राफ्स हैं वो स्की दुबई के, ये देखो ये हमारे स्की दुबई के फोटोग्राफ्स अविनाश और मेरे, बहुत प्यारा पिक्चर है ना। नहीं कहाँ कैसे लगाएं, इसको लगाना चाहिए हमें यार, लगाएंगे इसी कमरे में करेंगे क्योंकि मुझे पता है यही कमरा एक और है तुम्हारा और मेरा, ये अच्छी नहीं रहने दो, अच्छी है, अच्छी है बेबी देखो। हाँ क्यों अच्छी नहीं है? अच्छा हाँ करेक्ट, अच्छी है ना, अच्छी अच्छी है। हम कौन कौन से कपड़े लाए थे वहां से, तो पहले तो एक तो मैंने अमिता को जाते वक्त दे दिया था, एक मैं ये वहां से लाई थी शायद ग्लोबल विलेज से। हाँ ये ग्लोबल विलेज का, तो ये कुर्ता है ठीक है, अच्छा और ये दुपट्टा है, नहीं वेट 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 ये इसकी सलवार है, ओके नहीं आई थिंक ये कुर्ता है, कंफ्यूज हो रही हूँ, ये शायद कुर्ता है, ये कुर्ता है, ये इसकी सलवार है ठीक है, और ये इसका दुपट्टा है बेबी। दुपट्टा बहुत प्यारा है भाई, राम बेबी ये कितना प्यारा है यार, ये पहन के कितना अच्छा लगेगा देखो। हाँ बहुत खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ एकदम नेता लग रही हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी बन जाओगी क्या है। चलिए अगले पे चलते हैं दोस्तों,
ये मेरा नेक्स्ट सलवार कमीज है जो मैंने लिया था, ये हमने आई थिंक ग्लोबल विलेज से तो नहीं लिया था। नहीं नहीं, ये तो हमने वहां से लिया था ना, मीना बाजार से लिया था। मीना बाजार से ये देख लीजिए, ये है सलवार, ठीक है, ये प्लेन पूरी प्योर ब्लैक, हाँ ब्लैक सलवार है। हाँ। ये इसकी कमीज है जो कि बहुत ही सुंदर, यार ये है। बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर कमीज है ये देखो, और इसका दुपट्टा देखो बीबी, दुपट्टा भी बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, ये तो बहुत ही सुंदर है। सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। आप लोग प्लीज बताना कि आप लोगों का फेवरेट कौन सा वाला है इसमें। वैसे तो मतलब मम्मी जो सिलेक्ट करेंगी तो मैं मम्मी को दे दूंगी, तो मम्मी को ये ब्लॉग ही भेज देंगे ना। हाँ मम्मी को ब्लॉग, कि ब्लॉग देख के, ब्लॉग आप अपने आप ही देख के बता देना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कि ले लेना उसमें से। फिर है ये दुपट्टा किसका है, हाँ ये अगला सलवार कमीज पे जाएंगे दोस्तों। कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा यार, कौन सा। अरे मिक्स तो नहीं हो जाएगा, हो गया, हो भी गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ये अगली सलवार है प्लेन, ये उसकी कमीज है, ये भी खूबसूरत है यार, ये देखो बहुत प्यारा है, इसकी कमीज है बहुत सुंदर, ठीक है। और बेबी दुपट्टा देखो ना, इसके दुपट्टे बड़े हाईलाइट है यार, ये पाकिस्तानी सलवार कमीज वाकई बहुत कमाल के हैं, मेरे को सिलवाने देना है ये। मैं कहाँ रोक रहा हूँ तुमको सिलवाने देना, क्या मैंने दर्जी के हाथ पकड़ रखे हैं। ये देखो ये कैसे लग रहा है, अच्छा अच्छा, हाँ बहुत सुंदर है। खड़ी होकर दिखाऊंगा मैं, तुम्हारी श्रद्धा पे है, खूबसूरत है भाई, है नो डाउट। तुम्हारे ऊपर तो वैसे भी सब कुछ ही अच्छा लगता है ना, तो कैसे जज किया जाए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसा तो तुम बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं नहीं, अब ये देखो पजामा भी कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं, फिर अगला है, ये तो सलवार है प्लेन, ठीक है, इसकी कमीज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो डेफिनेटली मैं रख रही हूँ, ये डेफिनेटली मैं रख रही हूँ, मैं किसी को नहीं दे रही। एक से एक है सारे, क्या ही बोले, है ना, कोई किसी से कम नहीं है। एक्चुअली दुपट्टा है कि वो है, बेबी इतना खुल खुल के खोल रही हो तुम सारे, ये अमिता है नहीं घर में, मुझसे घड़ी मत करवाना बता रहा हूँ मैं। ये कमीज है, ठीक है, और इसका दुपट्टा एक्चुअली ये है। नहीं ये नहीं हो सकता, मैं यही है, यही है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बोल रही हूँ ना, देखो ना, अच्छा ऑरेंज कहाँ से आ गया इसमें, इसका दुपट्टा है, कैसा लग रहा है, अच्छा है बहुत अच्छा। फिर अगले पे चलेंगे दोस्तों। अरे यार ग्लोबल विलेज से दो लिए थे, हाँ दूसरा कौन सा है पता नहीं, अब मैंने कोई एक अमिता को भी दिया तो मुझे नहीं पता कि कौन सा कहाँ से लिया था। हाँ तो ग्लोबल विलेज, ये देखो ये अगला कमीज, ये लिया था क्या ग्लोबल विलेज से, ये भी हो सकता है, ब्लॉग देखना पड़ेगा, ब्लॉग से पता चलता है, अब तो हमें अपनी जिंदगी के बारे में खुद। हाँ ये देखो दोस्तों, ये है कमीज, एक्चुअली इसमें काफी सारा वो है, हाँ ठीक है, अब मैं इसका दुपट्टा आपको दिखा देती हूँ, ये है इसका दुपट्टा, बढ़िया बहुत बढ़िया, आई गेस ये मम्मी को अच्छा लगेगा शायद, थोड़ा सर्कल वाले पहनेंगी ना वो। ये दुपट्टा भी इसका तो नहीं है कहीं, नहीं, कलर मैच नहीं, कर नहीं, रहा है, नहीं 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 ये इसका है बेबी, इसका है पक्का, हाँ हाँ काफी कुछ मैच कर रहा है ना इसका है। अच्छा अभी ये एक्चुअली दुपट्टे बड़े कंफ्यूजिंग है, अभी ये लास्ट है इसका, इसका दुपट्टा इसी में है बेबी, अच्छा उसके अंदर ही है कपड़े में ही है दुपट्टा, कपड़े में ही है दुपट्टा, नहीं कपड़े के अंदर ही दुपट्टा रखा हुआ था, लेकिन अलग है ना उससे। ये देखो, हाँ ये भी बड़ा खूबसूरत है यार, यार आई थिंक मम्मी को ये ज्यादा पसंद आएगा, मुझे ऐसा लगता है, देखो ये दुपट्टा कैसा लगा दोस्तों, ध्यान से कैसा लगा दोस्तों, आप लोग प्लीज कॉमेंट में बताना कि आपका फेवरेट कौन सा अच्छा है, कौन सा मुझे रखना ही चाहिए, ये तो आप बता देना। मुझे लगता है एक एक तो मैंने बहुत ही मेरे दिल के पसंद है, इवन द व्हाइट वन आई रियली लाइक, लेकिन फिर भी आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन सा वाला सबसे अच्छा लगा है। अब बारी आती है दोस्तों इनको तैरा आके वापस रखने की, तो वो मैं और मेरा बेटी कराएंगे। ओह नो, चेरी देखो कितनी कोजी हो गई वो पहन के, चेरी वाह वाह है ना। तो दोस्तों आप मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस दो कमेंट सेक्शन में कि मुझे कौन सा रखना चाहिए और मम्मी को कौन सा देना चाहिए, मतलब है तो बहुत सारे, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के लिए एक पर्टिकुलर अगर निकालना हो तो आप कौन सा निकालोगे और मुझे कौन सा रखना चाहिए, फिर मैं अकॉर्डिंगली डिसाइड करूंगी। वैसे तो मम्मी डिसाइड कर लेंगे, लेकिन आप लोग भी प्लीज कुछ बताइए। आइए रखते हैं इसको, सुन सा पावर बेटा। आज चेरू आज मम्मा के साथ खेली खेली करेंगे हम, मम्मा के साथ आज खूब खेली खेली करेंगे, चेरू को तो दिन में दिखता भी है ना, चल तू घूमने जा छोटंकी, घूमने जा तू। ओके चेरू तो मेरा गुड बेबी है, अब कम से कम मैं इसको यहाँ पे आधा घंटा खिला के फिर वापस जाऊंगी, धूप भी है ना तो ये थोड़ा सा दिन में इसको दिखता भी है, अब ये रात को नहीं देख पाती है बॉल। चेरू को अरे क्या हुआ चेरू, वो रही बॉल को, आओ वापस आओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
जी हम लोग रूम में आ गए हैं, रात हो गई है और ठंड के मारे कुकड़ी जम रही है। सोचो ये तो वो जगह है जहाँ पे ठंड इतनी नहीं कि कोई कहता है ठंड होती ही नहीं है, मेरे को तब इतनी ठंड लग रही है, मेरे को तो वैसे भी लगती है, तो बाकी जगहों पे तो क्या ही होता होगा। मैं सोच रही दिल्ली की तो हालत खराब है, वहां पे मेरी चेहरी लेट गई है, सो गई एकदम। आज खूब खिलाया और खा पी के और सुद्धे को वहां तक मैं भी दिखाना जरा मेरा बच्चा कहाँ सो रहा है, मैंने उसकी जगह चेंज करी है। और ये मेरी कैंडू मामा मम्मा की छात आ गई है और ये बच्चा हमें तंग करता हुआ, ये रहा, ये तो खून पीने के लिए आई है, ये है ना खून चुछाड़ू बेटा है ना पापा का, खून ही चूस लेता है चित्ते वाला कुत्ता। वही इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं और आपको मिलेंगे हम लोग कल, क्योंकि बहुत ज्यादा टायर्ड है, इतने काम हो जाते हैं, इतने काम हो जाते हैं ना कि भैया पता ही नहीं होता कि कितने काम हम लोगों के रह गए हैं। फिर भी बाहर के क्या काम तो मेरे लिटरली रह ही जा रहे हैं, घर पे ही कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता जा रहा है। एनीवे कल मिलते हैं आपको और टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज अमर अजीज एंटरटेनमेंट। कल मिलते हैं यार, बहुत ज्यादा थकावट हो गई एक्चुअली। बेबी मैंने कभी इसको पानी पीते हुए नहीं देखा। पीती है। कब पीती है? पीती है, बीच में भागती है पानी पी के आती है। डिहाइड्रेशन ना हो जाए।